भी नहीं बोले। और इस बात को हमारी अभी नव नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के उनको किस तरीके से इन लोगों ने उस पार्टी के अंदर ही क्या है ये कहते तो दूसरी पार्टियों में कि इन्होंने एक परी कभी सामान्य घटनाओं पर सामान्य बात पर नहीं बोलने वाले व्यक्ति को भी अपनी जो पीड़ा जाहिर करनी और देश को बताया। आज इस देश के जो आरक्षण व्यवस्था है उस बारे में ये लोग जो बीजेपी के लोग आज एक नेता बोला राष्ट्रीय स्तर का कि ये आरक्षण कार्यकर्ता और किन किन को पत्र लिखते हैं ये दुनिया को शर्मसार करने वाली इससे ज्यादा क्या घटना हो सकती है। जब मुद्दा आता है कुछ चीजें आज की तारीख में मैं कहता हूं कि सभी पार्टियों में कमजोरी आई है। सत्य बोल आज इस देश के जो आरक्षण व्यवस्था है उस बारे में ये लोग जो बीजेपी के लोग आज एक नेता बोला राष्ट्रीय स्तर का कि ये आरक्षण कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को सच्चाई की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश की जनता तैयार है लेकिन जनता को अगर दोगला बनाया तो फिर जनता हमें भी माफ नहीं करेगी। हमारी ड्यूटी बनती है। आज इतने सारे मुद्दे पड़े हैं कि हम पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है सर। आपके इस कागज को हम बिल्कुल कागज के माध्यम से बात रखते हैं। ये कोई कागज नहीं है। पहुंचा दे हमारी भावना है सर। भावना है हमारी भावना सर। आज जो बीजेपी सरकार की जो 4 साल है उसमें किसान जो है वो बदहाल हालत में है। किसान की बद से बदतर हालत हो चुकी है। न उनको समर्थन मूल्य मिल रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और किसानों का जो कर्जा था जबकि यूपी में जो है इन्होंने वादा किया था कि भाई हम कर्जा माफ़ करेंगे और इन्होंने कर्जा माफ़ के बजाय क्या है कि उसकी जो है ना एक कमेटी बना के अपनी इतिश्री कर ली कि ये कमेटी जो है 6 महीने में रिपोर्ट नहीं देगी तब तक हमारा जो है हमें कोई लेन देन नहीं रहेगा। तो सिवाय थोथी घोषणा किसानों के प्रति और जो समर्थन मूल्य है ना उनको देना आज उनकी बुरी हालत है। और नोटबंदी के बाद तो और भी बुरी हालत हो गई किसान की। आज पूरे मार्केट के अंदर सारा मार्केट सुस्त पड़ता है। सारे व्यापारी जीएसटी की वजह से प्रताड़ित हैं। और दूसरी बात क्या है कि युवक जो है वो उनके साथ क्या है छलावा किया गया कि हम 15 लाख नौकरी देंगे। 15 लाख नौकरी बजाय तो आपने जो है 1500 नौकरियाँ भी नहीं दे पाई आज बाड़मेर जिले के अंदर। तो युवक जो है वो ठगासा महसूस कर रहा है और 4 साल के जो है वो बदहाल है जबकि उस बदहाली में आप 4 साल के बाद क्या शासन कल वो जो है अपना वो जश्न मना रहे हैं। तुम किस चीज़ का जश्न मना रहे हो? पूरे राजस्थान की बदहाली हो रही है। पूरे राजस्थान की त्राही त्राही जनता कर रही है। आप एक तो काम बता दीजिए कि वसुंधरा राजे ने जो है खुद ने किया है। जितने भी जो पूर्व जो काम किए हुए थे कांग्रेस सरकार के जो पानी की योजना थी बाड़मेर के अंदर और की जो रिफाइनरी की योजना थी आज रिफाइनरी यदि उस टाइम लग जाती तो आज बाड़मेर के कितने लोगों को फ़ायदा होता। पानी की जो तमाम योजना थी मेवाराम जी ने बताया कि जो तमाम योजना थी उनको महज क्या है कि उनको सबको बंद किया। आप किसान का पानी बंद कर रहे हो जनता का पानी बंद कर रहे हो। पानी एक अति चीज़ जबकि जो पानी है वो एक धर्म का काम होता है उसको भी आप रोक रहे हो तो आप जनता से क्या चाह रहे हो? ये जो है एक कुशासन को जो है जनता ने अब तय कर लिया है और अब की बार जो है जनता इसका इस कुशासन को उखाड़ फेंकेगी और आपके जो है बाड़मेर की सातों सीटें अब की बार कांग्रेस जो है जीत के लेके आएगी। उसमें राज्यपाल के नाम से दिया 4 साल के कुशासन के बारे में।